हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत को। दोस्तों, हम प्रतिशत में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और ये परसेंटेज का भाग वन है। तो देखेंगे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है कि साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में दोस्तों कैसे बदलते हैं, तो ये हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 2/5। तो 2/5 को दोस्तों हम जब प्रतिशत में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? प्रतिशत में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे? 100 से। दोस्तों याद रखना, जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रतिशत जो होती है वो हमारी 100 पर होती है। परसेंटेज जो होती है वो किस पर होती है? 100 पर। तो हमने इसमें दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 बजाय दोस्तों पीछे लगाएंगे तो इस तरीके से 5 से 100 को काटा तो 20 बार कटा, 20 दूनी 40। तो दोस्तों इस तरीके से ये 2/5 को हमने प्रतिशत में बदला तो दोस्तों कितना आया? 40%। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा 3/4। कितना आया दोस्तों? 3/4। अब जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, 3/4 × 100 कितना करेंगे दोस्तों? 100। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे जब आप, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे कितने हो गए दोस्तों? 20, और 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से आप 25 की आप 3 में गुणा करेंगे तो 25 दिया 75। तो ये आया आपका दोस्तों 75%। कितना आया दोस्तों? 75%। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 4 सही 1/5। कितना दोस्तों? 4 सही 1/5। अब ये दोस्तों ध्यान देने की बात है कि आपकी संयुक्त भिन्न है। किस प्रकार की भिन्न है? संयुक्त भिन्न है, क्योंकि आपके सही में लिखी, यानी 4 सही 1/5। पहले दोस्तों हम इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? साधारण भिन्न में। तो चलिए दोस्तों साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21/5। कितना आया दोस्तों? 21/5। अब ये जो संयुक्त भिन्न थी दोस्तों हमारी, किस में बदल चुकी है? साधारण भिन्न में। अब हम इसको प्रतिशत में जब बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 100 से। कितने से? 100 से। तो हमने दोस्तों यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सिंपलीफाई जब करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0। तो इस प्रकार से 5 से 100 20 बार कटे दोस्तों। अब इसकी 20 की गुणा किस में करेंगे? 21 में। तो आप दोस्तों गुणा करना भी बहुत ही सिंपल है। देखो 21 की 2 में गुणा कर दो, 21 दूनी 42, 21 दूनी कितने हो गए दोस्तों? 42, और ये 0 पीछे लगा दो तो ये आ गया आपका 420%। कितना आ गया दोस्तों? 420%। इसी प्रकार से दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू। तो इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है इसका दोस्तों, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए दोस्तों? साधारण भिन्न में। अब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे किसको? प्रतिशत को। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका 35%। कितना है दोस्तों? 35%। अब आप इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको लिखेंगे हम 35/100। कितना लिखेंगे दोस्तों? 35/100। यानी कि आप जानते हैं दोस्तों, जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितने आ जाएंगे? 100। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफाई। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं दोस्तों, 5 से काटते, 5 7 35, 5 दूनी 10, 1 0 बचा पीछे लगा लिया। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो आया 7/20, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यानी कि भिन्नों को किस में बदल सकते हैं, यानी कि साधारण भिन्न में बदल सकते हैं प्रतिशत को। ऐसे ही दोस्तों अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 125%। कितना है? 125%। इसको जब आप
बदलेंगे 125% को दोस्तों, तो इसको भी 125 बटे क्या करेंगे 100, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितने आएंगे दोस्तों 100। अब इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, 25 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 पंजे होते हैं आपके 125 और 25 होगा 100, तो ये दोस्तों आपका आ गया 5/4। दोस्तों याद रखना है, जब हम किसी अंश और हर को डिवाइड करते हैं तो एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे, और कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करें, जिससे कि हमें बार बार संख्या को सिंप्लीफाई ना करना पड़े और हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाए। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा 1.6%। इसको जब आप 1.6% इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे दोस्तों भिन्न में, तो इसको लिख सकते हैं हम 1.6/100। अब दोस्तों देखना यहाँ पर क्या है, दशमलव जो आपका एक अंकवाद है, कितने अंकवाद है एक अंकवाद, तो आप इसको दशमलव को हटाएंगे और क्या करेंगे इसको लिखेंगे फिर 16/1000, क्योंकि दशमलव जब दोस्तों एक अंकवाद है तो आप क्या करेंगे नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 बचे कितने का 20, 4 पंजे 20 और एक जीरो। दोस्तों हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ गया वो आएगा 2/125, यानी कि 1.6% को जब आपने साधारण भिन्न में बदला तो कितना है 2/125। दोस्तों याद रखना, जब तक ये संख्याएं कटती रहेंगी तब तक हम इसको काटते रहते हैं, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम बड़ी से बड़ी संख्या से काटें। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 48 का, क्वेश्चन नंबर तीसरा 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो दोस्तों थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना आप, चाहे तो मैं इनको अभी थोड़ी देर के लिए मिटा सकता हूँ, आप वीडियो यूज़ करके इनको सॉल्यूशन उतार सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। जी हाँ, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि कितने प्रतिशत है, तो 48 का कितने प्रतिशत 6 है दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब है कि जो 6 है वो 48 में कितना परसेंट है। तो दोस्तों जो वस्तु किसी में होती है, कहने का मतलब जो छोटी संख्या है उसको लिखेंगे आप ऊपर और बड़ी संख्या को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 6/48, क्या लिखेंगे 6/48 और इंटू 100, क्योंकि कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो दोस्तों हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका दोस्तों यह है कि जिससे तुलना की जा रही है, क्या की जा रही है जिससे तुलना की जा रही है, तो तुलना किससे की है 48 का, तो जिससे तुलना की जा रही है वो संख्या दोस्तों आपकी क्या आएगी नीचे आएगी। कन्फ्यूजन हमें ये रहता है कि कौन सी संख्या हम नीचे लिखें, तो दोस्तों याद रखना जिससे तुलना की जा रही है वो संख्या क्या आएगी आपकी नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/8 48, ये 6 से 48 8 बार कट गए, फिर 8 से आप डिवाइड करोगे 100 को, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, फिर यहाँ पर आपके बच्चे दोस्तों कितने 2 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे, अब 4 में भाग नहीं जाएगा दोस्तों पॉइंट लाएंगे, फिर हो जाएंगे 40, तो 8 पंजे 40, तो इस तरीके से 12.5% कह सकते हैं हम आ गया, यानी 48 का कितने प्रतिशत है, तो हम कहेंगे 12.5%। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका कौन सा है चौथा, जिसमें कह रहा है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, तो ये भी दोस्तों ऐसे ही होगा, तुलना किससे हो रही 3 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम से, तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे क्या 12/3। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये है किलोग्राम, क्या है किलोग्राम, और ये है आपके ग्राम, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जो किलोग्राम दिया दोस्तों उसको किस में कन्वर्ट करेंगे
ग्राम में, क्योंकि पूछा कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो 1 किलोग्राम में दोस्तों आप जानते हैं कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 3 किलोग्राम को जब आप किस में चेंज करेंगे, किलो यानी ग्राम में, तो गुणा 1000 और गुणा 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ये, फिर 3 से कट जाएंगे ये आपके 12, 4 बार 3 चौक 12, फिर ये बचे आपके दोस्तों 4/10, और 4/10 बचे तो दोस्तों आप नीचे जब 1 जीरो तो आप क्या करोगे, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 0.4%। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये अगर 0 आपका 1 अंक 1 के बाद है तभी आप जो है पॉइंट लगाएंगे, वरना आपका सवाल गलत हो सकता। अगर यहाँ होते 20 तो आपको 2 से भी बाद में भाग लगाना पड़ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि 120 का 75% ज्ञात कीजिए। 120 का 75%, तो दोस्तों 120 का 75% कैसे निकालेंगे, 120 गुणा का मतलब होता है दोस्तों गुणा, गुणा का साइन लगाएंगे, उसके बाद 75%, तो 75% लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद दोस्तों 120 गुणा 75, अभी परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे कितने आएंगे दोस्तों 100, कितने आएंगे 100। अब इसको सिंप्लीफाई करें दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, और इसको काट लेते हैं हम 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचे 5 25, और 2 से 12 2 छिंग 12, तो ये आ जाएगा आपका 15 छक्का 90, यानी 120 का 75% दोस्तों कितना होगा, 90। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक और तरीका इसका करने का, वो है 120 गुणा, जैसे 75% निकालना है आपको, कितना निकालना है 75%। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 75% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों होती है 3/4, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 12, फिर 0, और ये 30 3 कितना आ जाएगा आपका 90। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6, 1000 का 40%, 1000 का 40% निकालेंगे, तो 1000 × 40%, फिर यहाँ से दोस्तों 1000 40% इसका चिन्ह हटाएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 40 की 10 में गुणा करेंगे तो 40 × 2 = 400। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सीखा भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। दोस्तों आई होप यू, मैं आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।